Hi there, I am Master Chef Pankaj Bhadauria. सबसे पहले मुझे ये बताइए कि बटर का नाम सुनते ही हमारे दिल में धक धक क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि हमें लगता है ढेर सारी कैलोरीज हैं एंड इट्स वेरी अनहेल्दी। लेकिन एक बटर ऐसा है जो सारे डॉक्टर्स, सारे हेल्थ गाइड्स रिकमेंड करते हैं कि आप जरूर खाएं। बेसिकली नट बटर्स एंड पीनट बटर इज एक्सेलेंट, बहुत ही अच्छा होता है पीनट बटर। डाइटर्स की जो लिस्ट होती है व्हाट टू ईट, उस लिस्ट में पीनट बटर जरूर होता है। तो चलिए, व्हाई नॉट मेक पीनट बटर एट होम। के लिए मैंने लिया है एक कप मूंगफली, जिसे मैंने यहां भून लिया है और अब ये ठंडा हो चुका है। सो ये रोस्टेड पीनट्स 1 कप, और इनको मैं ले रही हूं अपने मिक्सी के जार में। Here we go। इसे हम ब्लेंड करेंगे। पहले ये एक कोर्स पाउडर की तरह से रेडी हो जाएगा, ऑलमोस्ट लाइक अ मील। तो जब ये कोर्स पाउडर जैसा हो जाएगा, स्टॉप टैप एंड वंस अगेन स्टार्ट। आप देखेंगे धीरे धीरे ये एक पेस्ट के कंसिस्टेंसी में आने लग जाएगा। स्टार्ट गेटिंग स्टक, निकालिए इसको, टैप कीजिए, शेक कीजिए एंड वंस अगेन। Push it down again। अब ये एक पाउडर या मील के बाद थोड़ा सा थिक होने लग गया है, because the peanut has started releasing its oil। It's come to that paste consistency like this। और अब इसमें मैं add करूंगी 1 tablespoon peanut oil, a generous pinch of salt, about a tablespoon of honey as well। आप हनी की जगह शुगर भी ऐड कर सकते हैं। और फिर से इसको एक बार ब्लेंड कर लेंगे, सो दैट ऑल द थिंग्स कम टुगेदर। मैंने तो प्लेन पीनट बटर बनाया है, आप चाहें तो इसमें कोको पाउडर डाल के चॉकलेट फ्लेवर डाल सकते हैं, या आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डाल के सिनेमन पीनट बटर बना सकते हैं। तो एक बेसिक पीनट बटर से आप बहुत सारे फ्लेवर्स क्रिएट कर सकते हैं। देविया, माय पीनट बटर इज रेडी। आप चाहें तो इसे चंकी भी रख सकते हैं, चाहें तो इसे स्मूथ पीनट बटर भी बना सकते हैं। एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टोर दिस इन एन एयरटाइट कंटेनर, एक ग्लास कंटेनर में। इफ यू स्टोर इट इन द रेफ्रिजरेटर, this will stay good for at least 2 to 3 weeks। लेकिन अगर तब तक बच गया तो शायद हमने अच्छा नहीं बनाया। So quickly get it out, and the next time you want to spread something on your bread, let it be peanut butter।